हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईला तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ की मूवमेंट्स बुक का लेसन द एडवेंचर ऑफ टोटो के एमसीक्यूज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सो लेट्स बिगिन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम होम ग्रैंड फादर टोटो दादाजी टोटो को किससे ख़रीद कर लाए तो इसके ऑप्शन हैं ए फ्रॉम शॉपकीपर बी फ्रॉम पेट शॉप सी टोंगा ड्राइवर या डी नन ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर है सी टोंगा ड्राइवर तो दादाजी टोटो को एक टोंगा ड्राइवर यानी तांगे वाले से खरीद कर लाए थे नाउ नेक्स्ट इज हु बॉट टोटो टोटो को किसने खरीदा तो इसके ऑप्शन देखते हैं ए ऑथर्स मदर बी ऑथर्स ग्रैंड फादर सी ऑथर्स ग्रैंड मदर या डी ऑल ऑफ द अबव और इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑथर्स ग्रैंड फादर तो टोटो को किसने खरीदा था लेखक के दादाजी ने नाउ थर्ड इज वॉट वॉज द रिएक्शन ऑफ द ग्रैंड मदर whenever the grandfather brought a new अ न्यू एनिमल होम तो जब भी दादाजी एक नया एनिमल घर लाते थे तो दादी की क्या प्रतिक्रिया होती थी एंड ऑप्शन आर ए हैप्पी बी एक्साइटेड सी सैड या डी फर्स्ट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फर्स्ट यानी जब भी दादाजी एक नया एनिमल घर लाते थे तो दादी बहुत उत्तेजित या परेशान हो जाती थी तो फर्स्ट का मीनिंग होता है उत्तेजित या परेशान नाउ क्वेश्चन फोर्थ इज द ग्रैंड फादर वो टेल अबाउट टोटो वैन ग्रैंड मदर विल बी इन डैश मूड यानी दादाजी दादी को टोटो के बारे में तब बताएंगे जब दादी कैसे मूड में होंगी तो इसके ऑप्शन हैं ए एंग्री मूड बी गुड मूड सी सैड मूड या डी ऑल ऑफ द अबव तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी गुड मूड तो दादाजी दादी को टोटो के बारे में जब बताएंगे जब दादी अच्छे मूड में होंगी क्वेश्चन फाइव इज इन हुज रूम टोटो वॉज़ कैप्ट टोटो को किसके रूम में रखा गया था इसके ऑप्शन हैं ए ऑथर्स बी ऑथर्स ग्रैंड फादर सी ऑथर्स ग्रैंड मदर या डी ऑथर्स फादर तो टोटो को किसके रूम में रखा गया था ए ऑथर्स यानी टोटो को लेखक के कमरे में रखा गया था नेक्स्ट एज क्वेश्चन सिक्स Who is the author of the lesson The Adventure of Toto? तो Adventure of Toto lesson के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। A. Vikram Seth, B. Ruskin Bond, C. Rabindranath Tagore या D. None of these। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B. Ruskin Bond। तो एडवेंचर ऑफ टोटो लेसन के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड नाउ क्वेश्चन सेवेंथ इज हु टोटो टोटो कौन था एंड द ऑप्शंस आर ए डोंकी बी मोंकी, सी पिकॉक या डी कैट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मोंकी। तो टोटो कौन था वह एक बंदर था अब आता है क्वेश्चन एट द कलर ऑफ टोटोस टीथ एज मैंशन इन दिस स्टोरी इज डैश टोटो के दांतों का कलर कैसा है जैसा कि स्टोरी में बताया गया है तो इसके ऑप्शंस हैं ए लाइट येलो बी लाइट पिंक सी डार्क ब्राउन या ऑप्शन डी पर्ली वाइट तो इसका सही आंसर है डी पर्ली वाइट तो टोटो के दांतों का रंग कैसा था पर्ली वाइट यानी जो उसके दांत थे वो मोती जैसे सफेद थे अब नेक्स्ट है हु ऑलवेज क्रिएटेड अ फर्स्ट वेन ग्रांड फादर एनी न्यू बर्ड और एनिमल होम तो दादाजी जब भी कोई नया पक्षी या जानवर घर लाते थे तो कौन हमेशा नाटक करता था तो फस का मीनिंग होता है नाटक करना तो इसके ऑप्शंस देखते हैं ए ग्रैंड मदर बी ऑथर सी मदर या डी फादर एंड द राइट आंसर इज ए ग्रैंड मदर तो दादाजी जब भी कोई नया पक्षी या जानवर घर लाते थे तो दादी हमेशा नाटक करती थी या गुस्सा हो जाती थी अब आता है क्वेश्चन नंबर टेन वेयर डेड दे कीप टोटो फॉर द फर्स्ट टाइम यानी उन्होंने पहली बार टोटो को कहाँ रखा था उन्होंने यानी लेखक ने और लेखक के दादाजी ने तो इसके ऑप्शंस हैं ए अ केज बी इन अर्वेंट क्वार्टर सी इन अ लिटिल क्लॉज या डी इन अ बॉक्स तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इन अ लिटिल क्लॉज तो दादाजी ने और लेखक ने टोटो को पहली बार जब वो घर आया था तो उन्होंने उसे एक छोटी सी अलमारी में रखा था अब क्वेश्चन एलेवेंथ है

तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इट वॉज इन शेड्स अब नेक्स्ट है टोटो वॉज कैरेट टू सहारनपुर इन अ टोटो को सहारनपुर कैसे ले जाया गया था तो इसके ऑप्शन देखते हैं ए फ्रूट बास्केट बी बस सी केज या डी कैनवास किड बैग तो इसका आंसर है डी कैनवास किड बैग तो दादाजी टोटो को सहारनपुर एक कैनवास किड बैग में रखकर ले गए थे नाउ क्वेश्चन थर्टीन इज ग्रैंड फादर अनदर पेट इन हिज पॉकेट वॉट वॉज द नेम ऑफ द पेट दादाजी ने अपनी जेब में एक और पेट रखा हुआ था उस पेट का क्या नाम था एंड ऑप्शन आर ए रैट बी रैबिट सी टॉटॉइज या डी ऑल ऑफ द अबव तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टोटॉइज दादाजी ने जो अपनी जेब में एक और पेट रखा हुआ था उसका नाम था टोटॉइज अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है हाउ वॉज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटो एंड नाना टोटो एंड नाना के बीच कैसा रिश्ता था तो इसके ऑप्शन हैं ए बिकम बेस्ट फ्रेंड्स यानि वो पक्के दोस्त बन गए ऑप्शन बी इज़ दे लिव्ड टुगेदर यानी वो साथ रहने लगे ऑप्शन सी इज दे नेवर बिकम फ्रेंड्स वो कभी दोस्त नहीं बने या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दे नेवर बिकम फ्रेंड्स तो टोटो और नाना के बीच कैसा रिश्ता था कि वो कभी भी दोस्त नहीं बने नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वेयर डिड टोटो टेक अ बाथ इन विंटर्स सर्दियों में टोटो कहाँ नहाता था तो इसके ऑप्शंस है ए इन अ शावर बी इन अ पॉन्ड सी इन अ बाकेट या डी लार्ज बाउल ऑफ वॉर्म वाटर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इन अ लार्ज बाउल ऑफ वॉर्म वाटर तो सर्दियों में टोटो एक बड़े से गर्म पानी के बाउल में नहाता था अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड टोटो चेक टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बाउल यानी टोटो ने बाउल में पानी का तापमान कैसे चेक किया टेम्परेचर का मीनिंग होता है तापमान तो इसके ऑप्शंस हैं ए बाय यूजिंग टेल, बी बाय यूजिंग थर्मामीटर सी बाय टचिंग विद हिज हैंड्स या डी ऑल ऑफ द अबव तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाय टचिंग विद हिज हैंड्स तो टोटो ने अपने हाथों से छूकर बाउल में पानी का टेम्परेचर चेक किया नाउ क्वेश्चन सेवेंटीन इज टोटो वॉ सोल्ड बैक टू टोंगा ड्राइवर फॉर हाउ मच रुपीज़ यानी टोटो को वापस टांगा ड्राइवर को कितने में बेचा गया था तो इसके ऑप्शंस हैं ए टू रुपीज़ बी थ्री रुपीज़ सी फोर रुपीज़ या डी फाइव रुपीज़ तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थ्री रुपीज़ तो दादाजी ने टोटो को टोंगा ड्राइवर को वापस तीन रुपये में बेचा था नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर बाथिंग वेयर डेट टोटो गो इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ़ मतलब नहाने के बाद टोटो खुद को सुखाने के लिए कहाँ गया तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं ए इन स्टोर रूम बी इन द किचन सी इन ऑथर्स रूम या डी नन ऑफ दीज और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इन द किचन तो टोटो नहाने के बाद खुद को सुखाने के लिए किचन में जाता था अब क्वेश्चन नाइनटीन है टेकिंग द डिश ऑफ पुलाव टोटो मेड हिज़ एग्जिट थ्रू मतलब पुलाव की डिश लेकर टोटो बाहर कैसे निकला तो इसके ऑप्शंस हैं ए चिमनी बी डोर सी विंडो या डी होल एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी विंडो तो पुलाव की डिश लेकर टोटो खिड़की से बाहर निकला था अब आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वेयर वॉज ग्रैंड फादर गोइंग टू कलेक्ट हिज पेंशन यानी दादाजी पेंशन लेने कहाँ जा रहे थे इसके ऑप्शंस हैं ए सहारनपुर बी दिल्ली, सी लखनऊ या डी मुंबई तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सहारनपुर तो दादाजी अपनी पेंशन लेने सहारनपुर जा रहे थे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑन विच ट्री डेट टोटो सिट विद द डिश ऑफ पुलाव तो पुलाव की डिश लेकर टोटो किस पेड़ पर बैठा तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं ए ऑन गवावा ट्री बी ऑन कोकोनट ट्री सी ऑन जैक फ्रूट ट्री या डी ऑन पैनियन ट्री तो इसका सही उत्तर है सी ऑन जैक फ्रूट ट्री तो टोटो पुलाव की डिश लेकर जैक फ्रूट ट्री पर बैठ गया था नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट सम ऑफ मनी ग्रैंड फादर हैड टू पे एज टोटोसफेयर टू द टिकट कलेक्टर मतलब टोटो के किराए के रूप में दादाजी ने टिकट कलेक्टर को कितने पैसे दिए तो इसके ऑप्शंस हैं ए सिक्स रुपीस, बी थ्री रुपीस, सी एट रुपीस या डी टेन रुपीस। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी थ्री रुपीस। तो दादाजी ने टोटो के किराए के रूप में टिकट कलेक्टर को तीन रुपये दिए अब क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री है वैन टोटो वॉज़ फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर ही वॉज गिवेन अ कम्फर्टेबल होम इन अ जब टोटो को आखिरकार दादी ने स्वीकार कर लिया तो उसे एक आरामदायक घर कहाँ दिया गया तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं ए ग्रैंड फादर रूम बी जू सी स्टेबल या डी केज तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी स्टेबल तो जब टोटो को दादी ने आखिरकार स्वीकार कर लिया तो उसे दूसरे जानवरों के साथ अस्तबल में रखा गया अब आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर हाउ वॉज टोटोज बिहेवियर विद अदर एनिमल्स अन्य जानवरों के साथ टोटो का व्यवहार कैसा था तो इसके ऑप्शंस देखते हैं ए गुड बी फ्रेंडली सी ट्रबलसम या डी नन ऑफ द अबव तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ट्रबलसम तो टोटो का व्यवहार अन्य जानवरों के साथ बहुत खराब था वो सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेट डेट ग्रांड फादर टेक आउट फ्रॉम हिस पॉकेट ऑन द रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर दादाजी ने रेलवे स्टेशन पर अपनी जेब से निकाला तो इसके ऑप्शंस देखते हैं ए रैबिट, बी स्क्वेरल सी टॉर्टोइज या डी माउस तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टॉर्टोइज। तो कछुए को दादाजी ने रेलवे स्टेशन पर अपनी जेब से निकाला था क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स है व्हेन वॉज ग्रैंड फादर लिविंग यानि दादाजी कब जा रहे थे तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं ए द नेक्स्ट वीक बी द नेक्स्ट मंथ सी द नेक्स्ट डे या फिर डी द सेम डे और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द नेक्स्ट डे तो दादाजी अगले दिन जा रहे थे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ऑन विच स्टेशन डिड द बैग रोल आउट बैग किस स्टेशन पर लुढ़क गया एंड द ऑप्शन आर ए सहारनपुर बी नोएडा सी हरिद्वार या डी नन ऑफ दीज तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सहारनपुर बैग सहारनपुर स्टेशन पर लुढ़क गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज टोटो डूइंग विद द राइस यानी टोटो चावल के साथ क्या कर रहा था तो इसके ऑप्शंस हैं ए ही वाज प्लेइंग वो खेल रहा था बी इज ही वाज थ्रोइंग ऑल द राइस ग्रेन्स वो सारे चावल के दाने फेंक कर खेल रहा था ऑप्शन सी इज़ ही वॉज ब्रेकिंग प्लेट्स यानी वो प्लेट को तोड़ रहा था एंड ऑप्शन डी इज़ ही वॉज स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस वह खुद को चावल से भर रहा था तो स्टफिंग का मीनिंग होता है भरना तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ही वॉज स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस तो टोटो चावल से खुद को भर रहा था अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन हु वॉज टोटोज़ कंपेनियन इन द स्टेबल अस्तबल में टोटो का साथी कौन था तो इसके ऑप्शंस हैं ए शीना द शीप बी नाना द डोंकी सी मैगी द डॉग या डी नन ऑफ दीज और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाना द डोंकी तो अस्तबल में टोटो का साथी नाना द डोंकी था अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्टी नेम द थिंग्स टोटो डिस्ट्रॉयड एट द नरेटर्स होम वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो टोटो ने लेखक के घर नष्ट की थी डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट करना तो इसके ऑप्शंस देखते हैं ए डिशेज बी कर्टेन्स, सी वॉल पेपर एंड क्लोथ्स या डी ऑल ऑफ द अबव। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो टोटो ने लेखक के घर पे डिशेज वॉल पेपर एंड क्लोथ्स कर्टेन्स तो ये सब चीज़ें नष्ट कर दी थी तो ये थे क्लास नाइन्थ की मोमेंट्स बुक का लेसन द एडवेंचर ऑफ टोटो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द आइकन जिससे आपके पास मेरी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो